हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, आज एंटनिम्स का मैं आपके पास सेकेंड वीडियो मैं भेज रहा हूं, और आप लोग इस वीडियो को आप कई बार देखें, बार बार देखें, और आपकी पूरी तैयारी इन्हीं वीडियो से हो जानी है। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं अपने कोर्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला वर्ड है क्वाय। क्वाय मीन्स होता है संकोची, और क्वाय का अपोजिट क्या होता है? बोल्ड होता है। ओके, एक होता है ना संकोची। संकोची मतलब जो थोड़ा सा दबा टाइप का, कहीं बोलने में सोसाइटी में थोड़ा दबता हो, तो उसे हम संकोची कहते हैं। उसी रूप से क्वाय का जो अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? बोल्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड है चर्लिस। चर्लिस मीन्स होता है असभ्य, और चर्लिस का अपोजिट होता है सिविल। सिविल मीन्स होता है सभ्य। नेक्स्ट कंसाइस। कंसाइस मीन्स होता है संक्षिप्त, शॉर्ट में संक्षिप्त, लेकिन इनका अपोजिट क्या होगा? लेंदी। लेंदी मीन्स क्या होता है? विस्तार में। नेक्स्ट चैरी। चैरी मीन्स होता है सावधान, और इसका अपोजिट क्या होगा? रेकलेस। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, और ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स होता है आक्रामक समझिए इसको। नेक्स्ट है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, और इसका अपोजिट हो जाता है वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। नेक्स्ट है डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स होता है घाटा। घाटा, किसी भी चीज में घाटा हो जाना, उसको घाटा, और इसका अपोजिट होगा सरप्लस। ओके, नेक्स्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, और इसका अपोजिट होता है विड्रॉ। विड्रॉ मतलब निकासी करना, निकालना। डिमांड। डिमांड मीन्स होता है मांग, और इस डिमांड का अपोजिट होता है सप्लाई। सप्लाई मीन्स होता है आपूर्ति। नेक्स्ट है डिफिट। डिफिट मीन्स होता है हार, और इसका अपोजिट वर्ड होगा विक्ट्री। नेक्स्ट डिसोलेट। डिसोलेट मीन्स होता है सुनसान, निर्जन स्थान, तो सुनसान यानी डिसोलेट का अपोजिट होता है इनहैबिटेड। नेक्स्ट है डिस्टिट्यूशन। डिस्टिट्यूशन मीन्स होता है गरीबी। डिस्टिट्यूशन मीन्स होता है गरीबी, और इसका अपोजिट होता है रिचेस या वेल्थ। नेक्स्ट है डिफियांस। डिफियांस मीन्स होता है ललकारना, किसी को चुनौती देना, ललकारना या उकसाना, तो डिफियांस का अपोजिट हो जाता है एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है डिजेक्ट। डिजेक्ट मीन्स होता है उदास करना। डिजेक्ट मीन्स होता है उदास करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीज। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना। डिले। डिले मीन्स होता है देर या देर करना, और इस डिले का अपोजिट हो जाएगा हरी। हरी मीन्स होता है शीघ्र, जल्दी। नेक्स्ट डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, और इसका अपोजिट होता है बीटर। बीटर मतलब कड़वा, फीका। नेक्स्ट डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, असमानता, और डिस्पैरिटी का अपोजिट होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी होता है। नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस मीन्स होता है बहादुर, और इसका अपोजिट होता है टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कायर, डरपोक। नेक्स्ट है डेकोरम। डेकोरम मीन्स होता है मर्यादा, और इसका अपोजिट वर्ड होता है लेविटी। लेविटी होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मीन्स होता है शीघ्र भेजना, और इसका अपोजिट होता है डिले यानी देर करना। नेक्स्ट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स होता है मित व्ययी, और इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रा वेजेंट यानी फिजूल खर्ची। नेक्स्ट फ्रेश। फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, और ताज़ा का अपोजिट यानी कि फ्रेश का अपोजिट क्या होता है? एस्टेल। एस्टेल मीन्स होता है बासी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचकदार, और इसका अपोजिट होता है रिजिड। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, दोस्त, लेकिन इसका अपोजिट होता है फो। फो मीन्स शत्रु, और आप एनिमी भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, लेकिन इसका अपोजिट होता है नेटिव, मातृभूमि। नेक्स्ट है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मीन्स होता है सन की, थोड़ा औरों से हट करके, आम लोगों से हट कर थोड़ा सा जो दिमाग से या सोच से होता है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है सन की, लेकिन इसका अपोजिट इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल या यूजुअल। नेक्स्ट है एलिजेंस, एलिजेंस मीन्स होता है स्वच्छता, लेकिन इसका अपोजिट होता है अग्लीनेस। नेक्स्ट है एलोक्वेंस, एलोक्वेंस मीन्स होता है धारा प्रवाह बोलना, लेकिन इसका अपोजिट होता है रिटेंड, रिटेंड मतलब होता है रुक रुक कर बोलना, हकला कर बोलना। नेक्स्ट इंचैंटमेंट, इंचैंटमेंट मीन्स होता है जादू या वशीकरण, यदि आप कोई अच्छा काम नहीं करते हो भाई, अरे भाई आपने तो जादू कर दिया, ओके, तो इसी सेंस में है इंचैंटमेंट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जादू या वशीकरण, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा। एनवियस, एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, जो किसी से द्वेष, द्वेष जो आप समझ लेते हो, द्वेष, द्वेष की भावना, उसे हम ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्यालु टाइप के लोग जो होते हैं उनको हम एनवियस कहते हैं, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, हेल्पफुल या कॉन्टेंटेड। नेक्स्ट एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मीन्स होता है समझाना, लेकिन इसका अपोजिट होता है कंफ्यूज, यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, घबरा देना। नेक्स्ट है इवेंचुअल, इवेंचुअल मीन्स होता है अंतिम, आई मीन लास्ट, अंतिम, यानी इवेंचुअल का अपोजिट वर्ड होता है प्रीलिमिनरी या प्योर। नेक्स्ट एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मीन्स होता है अपवादिक, और इस एक्सेप्शनल का अपोजिट होता है नॉर्मल या रेगुलर, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स होता है हवा निकालना, लेकिन इसका अपोजिट होता है रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मीन्स होता है हवा भरना, या आप इसको फिल भी लिख सकते हो, ओके बेटा। तो बेटा आप इस वीडियो को बार बार देखें और बिल्कुल मन से आप तैयारी करिए, मेरी शुभकामना है कि आप बिल्कुल सफल होंगे। तो चलिए बेटा इसी शुभकामना के साथ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद।